इस शख्स ने सपना देखा और उसे जीते जी साकार भी किया। 4 दशक पहले इन्होंने सारी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने की राह पकड़ी थी। इनकी ये मुहिम आज भी जारी है। लेकिन इन 4 दशकों में इनका नाम सारी दुनिया में मशहूर हो चुका है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक स्वच्छता का प्रतीक बन चुके हैं। हालांकि जब बिंदेश्वर पाठक ने देश में शौचालय को लेकर अपनी मुहिम शुरू की तो कई लोगों को इनकी सफलता पर संदेह था। कई लोगों का मानना था कि पैसा दो और शौचालय का इस्तेमाल करो की मुहिम परवान नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर इस अकेले शख्स ने विरोधियों को गलत साबित कर दिया। आज डॉक्टर विंधेश्वर पाठक का संगठन सुलभ इंटरनेशनल सारी दुनिया में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। हाल में ही भगवान विट्ठल के नगर महाराष्ट्र के पंडरपुर में स्वच्छता और शौचालय अभियान की दिशा में सुलभ इंटरनेशनल संगठन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भगवान विट्ठल का मेला शुरू होने से ठीक पहले सुलभ इंटरनेशनल ने एक साथ 1487 शौचालय बनवाए। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में 150 से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं और ये विश्व के सबसे बड़े टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। इस वक्त हम पंडरपुर के गजानन पार्क में मौजूद हैं, जहां पे अभी अभी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का जो है वो उद्घाटन हुआ है और देख सकते हैं आप कि पूरी तरीके से नए कंस्ट्रक्शन वर्क पे ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं। और जाहिर तौर पर पंडरपुर में एकादशी और आषाढ़ के महीने में लाखों लोग विट्ठल और रुक्मिणी देवी के मंदिर में पूजा करने आते हैं, इसी वजह से जो लोगों की संख्या है, लोगों की तादाद है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उसका ध्यान रखते हुए इन टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण वो सुलभ इंटरनेशनल ने किया है। पंडरपुर दुनिया में दूसरी जगह है जहां एक साथ इतने सारे शौचालय बनवाए गए। पंडरपुर प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार की पहल पर यह मुहिम शुरू की गई। पंडरपुर में 2858 शौचालय बनाए जा रहे हैं। इनमें 1487 शौचालयों को आम जनता के लिए शुरू किया जा चुका है। 3 लाख लोग प्रतिवर्षों से ज्यादा भी आते हैं दर्शन करने के लिए। चल तो वो जाएंगे शौच के लिए कहाँ जाते होंगे, तो बाहर ओपन जाते थे तो पूरा मैदान गंदा हो जाता था, तो इन्होंने सोचा कि नहीं शौचालय होना चाहिए। तो सुलभ शौचालय चूंकि हम सतर्क से कर रहे हैं तो इन्होंने बुलाया हम लोगों को, बातें हुई, वक्त शौचालय बनाया जाए। अभी आप देख रहे हैं सामने खड़ी है। पंडरपुर के साथ सुलभ इंटरनेशनल ने शिरडी में भी साईं भक्तों के लिए शौचालय खोले हैं। हालांकि सुलभ क्रांति के जरिए देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे रहे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने सालों पहले देश को स्वच्छ बनाने की कवायद शुरू की थी। दलितों और मैला ढोने वालों के उत्थान में इनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की बदौलत ही आज देश के बड़े भाग में जगह जगह शौचालय हैं और उनका संचालन भी किया जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा से जुड़ी स्वयंसेवी और लाभ निरपेक्ष संस्था है। ये संस्था पर्यावरण की स्वच्छता, अपरंपरागत ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, समाज सुधार और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करती है। इस संस्था से करीब 50,000 स्वयंसेवक जुड़े हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कहते हैं कि सुलभ उनका काम नहीं बल्कि उनकी जिंदगी है। सुलभ तुम्हारे
गाए जाए सुलभ तुम्हारे गीत, तुम्ही से उम्री सारी आशा, तुम्ही से उम्री सारी आशा, तुम्ही से उम्री प्रीत, सुलभ तुम्हारे गाए जाए सुलभ तुम्हारे गीत। सुलभ इंटरनेशनल ने लोगों की सुविधा के लिए देश भर में कई सुलभ सामुदायिक परिसर की भी स्थापना की है। ये लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ शहरों को प्रदूषण से बचाने में भी काफी हद तक सफल रहे हैं। अब इनका सपना है कि जल्दी ही देश के हर घर में शौचालय हो, और ये इस सपने को पूरा करने में जी जान से जुटे हैं। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंडरपुर, News 24। दलितों और मैला ढोने वालों के उत्थान के लिए शुरू हुआ था डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का सफर, लेकिन वक्त के साथ एक बड़ा मिशन बन गया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की बदौलत ही आज देश में जगह जगह शौचालय हैं, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के संघर्षों की गाथा प्रेरणा देने वाली है। आपने तो इसकी शुरुआत बहुत पहले की, 1968 में इसकी स्थापना की, आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया, गांधी से आप कैसे प्रभावित हुए? 1968 में एक संस्था बनी थी, बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति, वो गांधी जी का 100 वर्ष जन्म शताब्दी मनाने के लिए, उसी में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करने गया था। वही मुझे महासचिव ने कहा कि गांधी का सपना था मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना, और उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको समाज के विधारा से जोड़ना। हम गए बेतिया शहर में, वहाँ एक कॉलोनी है जहाँ लोग मैला ढोते हैं बाल्मीकियों की, तो वहाँ रहे हम 3 महीने, उनके साथ खाना खाया, बैठे, बात की, और वहीं जाना कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और कैसे काम करते थे, क्या करते थे लोग। इन दलितों के उत्थान के लिए काम करना, इनके साथ काम करना, इनको मंदिर ले जाना, आपको समाज में बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी होंगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि इतने नाराज हो गए, कहा कि आपका चेहरा हम देखना नहीं चाहते, और फादर इन लोग को ऐसा इन लोगों को कि चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, ये अपने हाथों ऐसा हो नहीं सकता है। फिर कहा कि यदि हम ब्राह्मण्स नहीं होते तो लड़की की दूसरी शादी हम कर दिए होते। तो हमने कहा कि देखिए अब ऐसा है कि हम तो इतिहास का पन्ना उलटने चले हैं, गांधी का सपना पूरा करना है, अब या तो हम उलट देंगे या हम खो जाएंगे। आपको इसका आइडिया कैसे आया, ये आइडिएशन कैसे डेवलप हुआ? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। इसमें क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी को हम डेवलप किया तो बिहार सरकार को दिया हमने इसको स्वीकार करने के लिए, तो दो उसमें ऑफिसर थे, एक इंजीनियर आईएएस थे जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट के। तो एक ने तो कहा कि साहब जब तक हम प्रशासक रहेंगे सुलभ शौचालय बने नहीं देंगे, क्यों, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, हम बग है, ये बेकार है ये। लेकिन जो दूसरे सेक्रेटरी थे ही के मैरिस्क्यू, उन्हें कहा देखो ऐसा है कि पाठक जी कह रहे हैं कि नया आइडिया है, तो 200 शौचालय बना दो उनको, यदि काम कर गया तो इतिहास का पन्ना उलट जाएगा, और नहीं तो बंद कर देंगे। तुम जो कहते हो कि न्यू आइडिया आया ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? तो पहली बार बिहार सरकार ने 69 में इसको स्वीकार किया। पूरे देश में फैलना एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, वो आपने कैसे किया? ऐसा हुआ कि अभी आपसे कह रहे थे कि फिर एक तो हुआ घरों में जो कमाऊ पखाने थे, उसको शो में कन्वर्ट करके और बाल्मीकियों को मुक्त करने का था। दूसरा था कि पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि आपको हम जमीन देंगे और बनाने का पैसा देंगे लेकिन चलाने का नहीं देंगे, तो पब्लिक टॉयलेट कंसेप्ट जो है वहाँ स्टार्ट हुआ। डॉक्टर पाठक, एक बात और आपने कही थी कि सुलभ आपकी प्रेमिका है, और शायद इसीलिए आपने ये पूरा म्यूजियम बनाया। म्यूजियम के अंदर चलते हैं और इस सवाल का भी जवाब दीजिए, सुलभ आखिर आपकी प्रेमिका क्यों है? पत्नी से, लड़के से, बच्चे से,
सुलभ को हम ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। तो कहा कि आपकी पत्नी है बैठी हुई सामने में, तो हमने कहा कि सामने कह रहे हैं। तो उसमें क्या है कि परिवार से अपने काम को ज्यादा प्यार कीजिएगा, उसमें क्या होगा सबसे ऊंचाई पे पहुंचिएगा काम में, डिवोशन आपको होगा, माइंड कंसंट्रेशन होगा आपका। तो साधना है, त्याग है, तपस्या है, वो जब करेंगे तभी किसी चीज पे पहुंच पाएंगे। आपने एक बात और कही थी कि 3 साल में पूरे देश में हर एक घर में शौचालय बन जाएगा, इसके पीछे की क्या टेक्निक है, आपने क्या सोच करेगा? 2,50,000 पंचायत में से एक लड़के को अपटेंड कर दिए इस काम में। वो क्या करेगा कि 2 मिस्त्री और 4 मजदूर उसके साथ मिल करके कम से कम 20 शौचालय के निर्माण तो निश्चित करवाएगा वो महीने में। तो 20 का आप गुना कीजिए 12 से तो हो गया 240, उसको 3 से गुना कर दीजिए वो हो जाएगा 720, और 2.5 लाख को गुना कर दीजिए 720 से तो हो जाएगा 18 करोड़। शौचालय कितना चाहिए आपको? 12 करोड़। कौन बनाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि जब बन सकता है तो फिर कौन बनाएगा, इसके लिए कौन कौन आ गया है, क्या सरकार की तरफ से आपको इसके लिए कोई मदद मिली? नहीं, हमने तो मदद नहीं ली है, लेकिन जैसा प्रश्न पूछा ना। हाँ। कि जब प्रधानमंत्री जी का हुआ। हाँ। कि हमको 2019 तक करना है, तो एज ए हम काम में लगे हुए हैं, हम डॉक्टर भी हैं भाई, तो इसमें क्या हम लगे डॉक्टर, हम PhD हैं। तो उसमें क्या है कि हमको सोचना पड़ा कि भाई कैसे होगा ये। आज हमने पूछा आपने, हम जवाब दे दिया आपको, अब सोचना पड़ता हम भी कैसे होगा कैसे होगा, तो ये हम बता दिया कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी क्रांति कर दी है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से लेकर पूरा देश और अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप पहुंच गए। सुलभ शौचालय, एकदम सही कहा आपने। आप यहाँ खड़ी हैं तो जितना चीज देखा इस कैंपस में सबका आविष्कार मेरा किया हुआ है, और जितनी बातें आती है मैं कहता हूँ भाई आप ये काम करो, सुझाव लेते हैं उससे हम, लेकिन आदेश हम देते हैं तो मेरा काम होता है। हम अपने आदमी को कहें कि आप सोचो। जिस रफ्तार से यहाँ पर स्वच्छता को लेकर काम हो रहा है, आपको क्या लगता है कितने दिन में आप बिल्कुल स्वच्छ भारत देखेंगे, हम कितने दिन में देखेंगे स्वच्छ भारत? मेरे ख्याल से है कि ये तो जो 3 वर्ष का इनका बचा हुआ प्रोग्राम, 2019 तक तो बहुत हद तक काम हो जाएगा मेरा से मानना है। और यदि आप एकदम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, जो संस्कृति बदल जाए, लोग बाहर फेंके नहीं, गंदगी ठीक हो जाए, तो 2030 तक मैं लगता है कि देश साफ सुथरा हो जाएगा।